डियर स्टूडेंट्स, आज हम एब्डोमेन के एक और ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। ये लीवर है हमारे हाथ में जो है। लीवर को ग्रीक में हिपार भी कहते हैं, जिससे रिलेटेड कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, हिपैटिक लिम्फ नोड्स। तो लीवर ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, और लीवर का काम है आप बाइल का सिक्रीशन, और ये कई सारे हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में भी काम करता है। इसका शेप आप देखिए, वेज शेप है। ये वेज का बेस होता है और ये दूसरा एंड है। ये वेज शेप है लीवर। इसका वेट एडल्ट मेल में लगभग 1600 ग्राम होता है, और एडल्ट फीमेल में 1300 ग्राम होता है। एवरेज वेट की बात करें तो ये लगभग 150 ग्राम या 1.5 किलो का होता है, और एट बर्थ 150 ग्राम इसका वेट होता है। इतना हैवी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में कैसे अपनी पोजीशन में रहता है, इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। द फैक्टर्स विच जो लीवर को अपने पोजीशंस में रखते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक वेन्स जो लोब्स से निकलती है लीवर के, और ये डायरेक्टली इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और लेस इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो लिगामेंट ऑफ लीवर होता है, जो कि जस्ट पेरिटोनियल का फोल्डिंग्स होता है। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लीवर की बात करें तो लीवर के 5 सर्फेसेस होते हैं, जिसमें ये है सुपीरियर सर्फेस, ये एंटीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस और इन्फीरियर सर्फेस, और राइट लेटरल सर्फेस। तो इस तरह से 5 सर्फेसेस हो गए। एक इन्फीरियर बॉर्डर जो है, ये सबसे प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है, और एनाटॉमिकल लोब्स जो लीवर के हैं, ये मेजर 2 लोब्स हो गए, राइट लोब और लेफ्ट लोब, जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है इसके अटैचमेंट से डिवाइडेड होते हैं राइट एंड लेफ्ट लोब में, और पीछे की तरफ 2 छोटे लोब होते हैं, काउडेट लोब और क्वाड्रेट लोब। तो ये 4 लोब्स होते हैं इसके। एनाटॉमिकल पोजीशन में लीवर को कैसे होल्ड करते हैं, इसमें इन्फीरियर वेना केवा, ये है इन्फीरियर वेना केवा। तो इन्फीरियर वेना केवा को हम वर्टिकली इरेक्ट रखते हैं, एकदम वर्टिकल होता है ये स्ट्रेट, और जो ब्रॉड बेस है इसका वेज का, वो राइट साइड में होगा, और स्मूथ जो सरफेस है इसके, ये ऊपर की तरफ और एंटीरियरली फेस्ड होते हैं। तो इस तरह से हम इसको लीवर को एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करते हैं। इसमें लीवर के मोस्ट ऑफ द सरफेसेस जो होते हैं वो पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट है जहाँ पेरिटोनियम डेफिशिएंट होता है, वहाँ पेरिटोनियम नहीं होता है, जिसे हम बेयर एरिया ऑफ लीवर कहते हैं। ये वाइवा में आपसे काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो बेयर एरिया कौन कौन से हैं, एक पोस्टीरियर पार्ट में एक ट्रायंगुलर एरिया है जो डायरेक्ट डायफ्राम के कॉन्टैक्ट में होता है, या सबसे बड़ा ये बेयर एरिया कहलाता है। इसके बाद इसके लेफ्ट आए तो इन्फीरियर वेना केवा के लिए एक ग्रूव है, तो ग्रूव फॉर इन्फीरियर वेना केवा, ये सेकेंड बेयर एरिया हो गया। ग्रूव फॉर लेगामेंटम वेनोसम, ये भी एक बेयर एरिया होता है। ग्रूव फॉर लेगामेंटम टेरिस, ये भी बेयर एरिया है, और ये गॉल ब्लैडर है। तो फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर, ये एरिया है जहाँ पर पेरिटोनियम नहीं होती है, यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर इसके रिलेशन में आता है, क्योंकि पेरिटोनियम या होटा हेपेटिस को कवर लाइन करने के बाद ये गॉल ब्लैडर के इन्फीरियर सरफेस से आ जाती है, और ये इन्फीरियर बॉर्डर से होते हैं, फिर ये एंटीरियर सरफेस को कवर करते हैं। तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स हैं जो कि बेयर एरिया ऑफ लीवर कहलाते हैं। पोस्टीरियर सरफेस, ये ट्रायंगुलर एरिया है, जो पोस्टीरियर सरफेस पर हमें एक बेयर एरिया दिखता है, ये बेयर एरिया जो कि डायफ्राम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और यहाँ पर पेरिटोनियम की फोल्डिंग नहीं होती है। तो पेरिटोनियम का जो एंटीरियर पार्ट है, ये सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट फॉर्म करता है, और
स्पेयर एरिया का जो पोस्टीरियर पार्ट है ये इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट ये है, और ये दोनों कोरोनरी लिगामेंट्स राइट साइड में कॉर्नर्स में मिल करके ये राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट फॉर्म करते हैं। और इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी एंटीरियर और पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट का अटैचमेंट होता है और इनके कॉर्नर्स दोनों के मीट करके लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट फॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ें, और पोस्टीरियर सरफेस पर हमें एक ग्रूव दिखता है, ग्रूव फॉर इन्फीरियर वेना केवा, ये पूरा इन्फीरियर वेना केवा जिसके अंदर आप देखें कि हेपेटिक वेन्स की ओपनिंग दिख रही है, हेपेटिक वेन्स की ओपनिंग दिख रही है। तो दिस इज द ये इन्फीरियर वेना केवा हो गया, ये भी हमें पोस्टीरियर सरफेस पर मिलता है। फेशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, ये फेशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम जो कि काउडेट लोब और लेफ्ट लोब के बीच में ये फिशर होता है, फिशर फॉर लेगामेंटम वेनोसम, और इस फिशर से पास होता है लेगामेंटम वेनोसम, इसका कंटेंट है ये लेगामेंटम वेनोसम, ये रेमनेंट है डक्टस वेनोसस का जो कि फीटल लाइफ में ये डक्टस वेनोसस लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन को इन्फीरियर वेना केवा से कनेक्ट करता है और ब्लड को लेफ्ट अम्बिलिकल वेन से इन्फीरियर वेना केवा में शंटिंग करता है। तो इस तरह से जो ब्लड है वो डायरेक्टली लीवर से बाईपास हो जाता है। फिर राइट सरफेस की बात करें, राइट सरफेस ये स्मूथ है, कॉन्वेक्स सरफेस है जो कि कवर्ड होता है आपका पेरिटोनियम से और ये डायफ्राम के कांटेक्ट में होता है। तो राइट सरफेस अपर वन थर्ड पार्ट, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर वन थर्ड पार्ट ये लंग प्लूरा और डायफ्राम से रिलेटेड होता है, मिडिल वन थर्ड पार्ट जो है ये डायफ्राम और कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस ऑफ प्लूरा से कांटेक्ट में आता है, लोअर वन थर्ड पार्ट में सिर्फ डायफ्राम रिलेशन में आता है। इसके इन्फीरियर सरफेस या विजरल सरफेस की बात करें, ये है इन्फीरियर सरफेस। तो इन्फीरियर सरफेस में क्योंकि कई सारे विजराज इसके रिलेशन में आते हैं तो इसलिए इसको विजरल सरफेस कहते हैं। ये है पूरा इन्फीरियर सरफेस जो कि आपका ये डायरेक्टेड है डाउनवर्ड बैकवर्ड एंड लेफ्ट की तरफ ज़्यादा है, ये सेपरेट होता है आपका एंटीरियर सरफेस और राइट सरफेस से शार्प इंफीरियर बॉर्डर से, ये शार्प इंफीरियर बॉर्डर है। इंफीरियर सरफेस ये विजरल सरफेस कहलाता है क्योंकि इसके कांटेक्ट में बहुत सारे विजराज आते हैं। तो इंफीरियर सरफेस ये लेफ्ट लोब का इन्फीरियर सरफेस है, यहाँ गैस्ट्रिक कंप्रेशन स्टमक के रिलेशन में ही आएगा। फिर ये स्मॉल एलिवेटेड एरिया है जिसे ट्यूबर ओमेंटेल कहते हैं। फिशर है आपका लिगामेंटम टेरीज, फिशर फॉर लिगामेंटम टेरीज, इसके फ्लोर में लिगामेंटम टेरीज हेपेटिस प्रेजेंट होता है जो ऑब्लिटरेटेड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का रेमनेंट है। ये लेफ्ट अम्बिलिकल वेन फीटल लाइफ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से लेकर के आती है और ये डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में पास होता है थ्रू द डक्टस वेनोसस। तो ये हो गया आपका फिशर फॉर लिगामेंटम टेरीज हेपेटिस। फिर फिशर के बाद एक क्वाड्रेंगुलर एरिया है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर। इसके नेक्स्ट हम राइट चलेंगे तो एक इम्प्रेशन है फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर, यहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है और इसके राइट ओर आते हैं इस फोसा के तो एक हमें ये कोलिक इम्प्रेशन दिखाई देता है फॉर द हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलन। फिर इसके ऊपर आते हैं राइट लोब में तो यहाँ पर ये रीनल इम्प्रेशन है, यहाँ पर राइट किडनी इसके कॉन्टैक्ट में आती है और इसके मीडियल आएंगे तो ये ड्यूडेनम का इम्प्रेशन होता है जहाँ पर कि सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इसके कॉन्टैक्ट में आता है। तो ये हमारे हैं इन्फीरियर सरफेस के विजरल रिलेशंस। फिर यहाँ एक पोर्टा हेपेटिस एक एरिया है हॉरिजॉन्टल एरिया इसे पोर्टा हेपेटिस कहते हैं जिसकी मार्जिन्स पर लेसर ओमेंटम अटैच होता है और ये लेसर ओमेंटम फिशर फॉर लेगामेंटम वेनोसम तक भी जाता है, इस तरीके से अटैचमेंट। तो इस पोर्टा हेपेटिस से जो स्ट्रक्चर्स पास होते हैं तो उसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर चलें तो सबसे एंटीरियर होती है
बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, फिर हेपेटिक आर्टरीज आते आते हैं, ये ब्रांचेस दिख रहे हैं हेपेटिक आर्टरी की, और सबसे पीछे होता है पोर्टल वेन। तो ये थ्री स्ट्रक्चर्स एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं, पोर्टल बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। ये कंटेंट है पोर्टा हेपेटिस के। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेबर।